नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म की बातों में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस विशेष वीडियो में आपको बताएंगे अयोध्या के एक ऐसे महल के बारे में जिस महल के बारे में अमूमन कम लोगों को पता होगा, लेकिन उस महल से जुड़ी एक धारणा काफी प्रचलित है कि वो महल सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में दिया गया था, जहां पर पुरुषों का जाना पूरी तरीके से वर्जित माना जाता है। क्या है इस पौराणिक कथा की सच्चाई, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अयोध्या में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी श्री राम और माता सीता भ्रमण के लिए आते हैं, जिसका नाम है कनक भवन। कैकेयी और माता सीता से इसका संबंध है, चलिए जानते हैं इसका पूरा इतिहास। अयोध्या के उत्तर पूर्व में बना ये विशाल कनक मंदिर अपनी अनोखी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता है कि कैकेयी ने अपनी बहू माता सीता को ये भवन उनके मुंह दिखाई में दिया था। त्रेता युग में मिथिला प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ, तब उस रात्रि श्री राम के मन में विचार आया कि अयोध्या में सीता जी के लिए सुंदर भवन होना चाहिए। कहते हैं जिस पल भगवान के मन में ये कामना उत्पन्न हुई, उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को स्वप्न एक दिव्य महल दिखाई दिया। उन्होंने अपना सपना राजा दशरथ से व्यक्त किया और उसकी प्रतिकृति अयोध्या में बनवाने का आग्रह किया। इस भवन का नाम था कनक भवन। राजा दशरथ के अनुरोध पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की देखरेख में कनक भवन बनवाया गया, जिसे कैकेयी ने विवाह के बाद माता सीता को मुंह दिखाई में भेंट किया था। मान्यता तो ये भी है कि यहाँ राम जी के अलावा किसी भी पुरुष को आने की अनुमति नहीं थी। राम सीता की देह त्याग के बाद उनके बेटे कुश ने यहाँ उनके विग्रह स्थापित किए थे। अयोध्या राम मंदिर विवाद के समय कनक भवन पर भी आंच आई थी। ये भवन टूट फूट कर ऊंचा टीला बन चुका था। कहते हैं द्वापर युग में जब यहाँ श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ टीले पर बैठे थे, तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से इसका सत्य जान लिया और पुनः श्री सीताराम की प्राचीन विग्रहों को प्राप्त कर वहां स्थापित किया। वर्तमान में कनक भवन का निर्माण ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की धर्मपत्नी महारानी वृषभानु कुंवारी का बनवाया हुआ है। 1891 ईस्वी में प्राचीन मूर्तियों के साथ में मंदिर में दो नए राम सीता के विग्रह भी स्थापित करवाई थी। आशा करती हूँ हमारी आज की इस खास वीडियो में आपको रामायण से जुड़ी ये काफी रोचक जानकारी मिली होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये धार्मिक जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा।